हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्विज स्टडी में। ये बहुत ही हेल्पफुल चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सोच समझकर शुरू किया है। इसका मेन मोटिव है जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो घर पर रहती हैं, और ऐसे जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो मैं इस चैनल के थ्रू उन लोगों के लिए एक क्विज के तौर पर लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन मैं डेली दूंगी। उन क्वेश्चन का आंसर आप अपनी वीडियो देख के कुछ पढ़ के उसमें से दे दीजिए, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जैसा कि आज मैं उन लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी, आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए और मैच कर लीजिएगा कि क्वेश्चन के आंसर आपने। तो लास्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक था वो था एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है हिस्ट्री से, और उसमें कल वाला जो पार्ट था वो था आपका पाषाण काल से, और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका सैंधव सभ्यता और संस्कृति से। तो आप कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें आपको संस्कृति सभ्यता के बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में आप आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो मैंने कल भी आपको यही बताया था कि आप 10 मिनट्स मोस्टली मेरी वीडियो को दे दीजिए, 10 मिनट्स से लेस ही होगी, और उसके बाद जो है 50 मिनट्स आप अपनी स्टडी को उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उनके आंसर दे दीजिए, तो ये आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा और मेरा भी थोड़ा मोटिव हो जाएगा, अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। चलिए तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर, और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर के बाद थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको उसमें से मैं बता दूंगी कि क्या क्या है, तो आपको मुझे लगता है थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर मैं वैसे दिखा दूंगी क्या क्वेश्चन है और बोल के भी बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन है, तो आप उनको नोट कर लीजिए, अगर छूट जाता है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पुश करके और दोबारा से नोट कर लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। तो चलिए अब जान लेते हैं आपकी लास्ट वीडियो के क्वेश्चनों के आंसर, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट का ए, सेकेंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, सिक्स का सी, सेवन का बी, एट का सी और नाइन का डी ना और टेन का सी। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं रही हैं क्वेश्चनों के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, वैसे आपने पढ़ लिया होगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काश्य और लोह युग का त्रिगुणीय विभाजन 1820 में पुरातत्वविद क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं वो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट में आपका आता है, मध्य पाषाण कालीन मेदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ से उन्होंने जी आर शर्मा द्वारा मेहदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मेहदा सराय, नाहरा एवं दमदमा तीनों ही स्थलों में हड्डी के उपकरण व आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में यही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्मों की खेती के योग्य बनाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में
कोलडेवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। नेक्स्ट में आपका आता है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपों का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला क्षेत्र मेहरगढ़ पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ पर 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। अब आपका नेक्स्ट जो है उसमें आता है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन HD संकलिया ने किया था। ये मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाणिक पुरातत्व स्थल है जो इंदौर के निकट है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूल के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण हैं। इन यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो अलसी, गेहूं, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल हैं। तो इसका उत्खनन किसने किया था? प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया था, जो पूना के प्रोफेसर थे। तो अब नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के क्वेश्चन। नंबर 1, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ए, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और डी, उत्तर ऐतिहासिक युग से। 2, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ए, शिलालेख, बी, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी, पुरातत्विक खुदाई और डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, विशाल स्नानाघर किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ए, रोपड़, बी, हड़प्पा, सी, मोहनजोदड़ो और डी, कालीबंगा। 4, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। ए, गुजरात में, बी, पंजाब में, सी, राजस्थान में और डी, सिंध में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ए, पशुपति की, बी, इंद्र और वरुण की, सी, ब्रह्मा की और डी, विष्णु की। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ए, भारत के गुजरात राज्य में, बी, भारत के पंजाब राज्य में, सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और डी, अफगानिस्तान में। 7, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको सोना, मेरी वीडियो? बी, चांदी, तो लाइक कर दीजिएगा, ताबा और डी, अच्छा, लोहा। नेक्स्ट है आपका, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए, आलमगीरपुर से, बी, धौलावीरा से, सी, कालीबंगा से और डी, लोथल से। नेक्स्ट, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ए, बनावली से, बी, कालीबंगा से, सी, लोथल से।